हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक फ्रॉड होने वाला था OLX के एक ऐड पर, जिससे मुझे थोड़ी सी जानकारी थी जिसके वजह से मैं बच गया, नहीं तो फिर पैसे चले जाते। वो ये हुआ कि सुबह आज मैंने एक ऐड डाला, ये एक केटल और एक टेबल को सेल करने के लिए। ये अभी भी लाइव है। तो जैसे ही मैंने ये ऐड डाला, वहाँ से मुझे एक कॉल आई कि एक यूज़र है, एक यूज़र है जो परचेज करना चाहते हैं इसको। तो ये है उन लोगों का नाम, तो कुछ इंडियन आर्मी रखा हुआ है और ये उनका नंबर है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब, तो आपका क्या प्राइस है? तो मैंने कहा कि ये मैं 2000 में आपको देने वाला हूँ, अगर आप आके खुद उस जगह से कलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये दो आइटम्स हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ केटल चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, केटल चाहिए तो मैं आपको 500 में दे दूंगा, लेकिन मैंने 800 में खरीदा था, बाकी एक और टेबल भी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों चीज़ ले लेंगे और हम आपको 2000 रुपये दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आप किसी को भेज दो उस जगह पे और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और आपसे कैश ले लूँगा और पेमेंट और सामान दे दूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम तो कोई वहाँ पे जाएगा तो ज़रूर, बट आप एक काम करो, आप ऑनलाइन से पेमेंट लेते हो। मैंने कहा हाँ, मेरे पास पेटीएम है, मेरे पास गूगल पेमेंट है और मेरे पास फ़ोन पे भी है, तो आप किसी पे भी दे दो। उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, हम आपको गूगल पे में भेज देते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए भेज दीजिए। फिर उसके बाद मैंने करीबन 10 मिनट वेट किया, कोई कुछ आया नहीं। फिर मैं थोड़ा बाहर चला गया, तब उनको स्क्रीनशॉट सामान का भेजते भेजते फ़ोन साइलेंट में चला गया गलती से। उसके बीच में उन्होंने दो बार कॉल कर लिया। जब तीसरी बार उन्होंने कॉल किया तो मैंने फ़ोन पिक किया और उसके बाद उनका मैसेज है कि भैया फ़ोन उठा लो, मैं आपको पेमेंट भेजने वाला हूँ। फिर ये सब उनके वॉइस मैसेजेस थे। तो मैंने उनको यहाँ पे फ़ोन पे का क्यूआर कोड और उनको गूगल पे के क्यूआर कोड दोनों मैंने भेज दिया। अब उन्होंने क्या किया, गूगल पे में जाके उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया 2000 के लिए। ये देखिए 2000, देखा? और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रिसीव्ड लिख के छोड़ दिया। तो मैं अपने मैसेजेस का वेट करता था, तब उस टाइम पे एक मैसेज आया कि हाँ 2000 कुछ का ये मैसेज है, रिक्वेस्टेड है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, ये तो रिसीव नहीं हुआ, ये रिक्वेस्ट कैसे हुआ है? और जब मैं गूगल पे में गया और ओपन किया तो मुझे ये नज़र आया। मैंने कहा यार ये तो रिक्वेस्टेड है और नीचे यहाँ पे रिसीव्ड लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और फिर पूछा अच्छा आपके 2000 रुपये आ गए? मैंने कहा कैसे आया भाई, आपने तो मुझे रिक्वेस्ट किया है। नहीं, आप अच्छे से चेक करो, रिसीव हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में चला गया होगा। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बैंक अकाउंट में जाएगा तभी मुझे मैसेज आएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई भी मैसेज नहीं आया और गूगल पे में मैं जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये रिक्वेस्टेड है। फिर उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास पैसे हमने भेज दिए हैं। अब जब उनको मैंने स्क्रीनशॉट्स भेज दिया, उसके बाद यहाँ पे मुझे पे और रिक्वेस्ट के ऑप्शन आ रहे थे, तो मैंने भी अपने तरफ से एक रिक्वेस्टेड का मैसेज भेजा 2000। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, फिर से 1 रुपए का एक रिक्वेस्ट भेजा। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो 1 रुपए आप एक बार पे के अंदर जाओ, आपको दिख जाएगा। मैंने कहा हाँ पापा, हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हमने ये गूगल पे तो 6 महीने से यूज़ कर रखा है, आप मुझे 1 रुपए क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए है। मैंने कहा जो भी है, बट आप पैसे मुझे क्यों मांग रहे हैं? आपको देना है तो पैसे दे दीजिए और सामान ले जाइए। लेकिन उन्होंने उस तभी भी आर्गुमेंट करते रहे कि नहीं देखो आपके अकाउंट में चला गया है पैसे, फिर भी आप झूठ बोल रहे हो, आप हमें कंफर्म नहीं कर रहे हो, हम इसको पुलिस में देंगे, आपको आपके बारे में कंप्लेन करेंगे। तो मैंने कहा आप खुद से देख लो, 2000 का स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है, आपके एंड से वो रिक्वेस्टेड दिखा रहा है ऊपर में। उन्होंने कहा नहीं, आप नीचे वाला जो मैसेज है वो सही है, रिसीव हो रखा है आपके अंदर। मैंने कहा यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और अगर मैं ये पे
पे। मैंने कहा अच्छा ये मैं कैसे चेक करूं, उन्होंने कहा कि आप पे जाओ। मैंने कहा पे पे क्यों जाऊं, पे पे जाते ही वो मुझे कोड मांगेगा, जैसे ही मैं कोड डालूंगा पैसे तो आपके पास जाएंगे, मेरे पास थोड़ी ना आएंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर क्या किया, बोला ठीक है आपको सामान नहीं बेचना है तो मत बेचो, आप हमें गलत तरीके मत बताओ। मैंने कहा मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, आपको देना है तो आप पैसे भेजो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, 4 आर्मी के फोटोज यहाँ पे डाल दिए। एक आर्मी वाले का फोटो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया। उन्होंने बोला, फिर कॉल करके बोला कि आपका व्हाट्सएप चेक करो। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा हाँ आपने कुछ भेज रखा है। बोला है कि वो सब जो फोटो देख रहे हो, अभी आपने हमारा पैसे तो ले लिया, अब ये आदमी आपके घर में 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उन्हें क्या, आप उनके चाचा को भी भेज दो यहाँ पे, हम उनसे बात कर लेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, फोन काट लिया। तो दोस्तों यही थी कि आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए कि ऐसा भी आ सकता है, और आप अनजाने से होके जल्दबाजी में होके सामान बेचने के चक्कर में आप खुद अपना पैसा भेज देंगे किसी और को। गलती से मैं पे बटन मैं भी दबाने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि ये रिसीव्ड लिखा तो हुआ है बट ये रिक्वेस्टेड है, क्योंकि पैसे आते ही गूगल पे आपके पास 2-3 मैसेजेस भेजते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि पैसे आपके बैंक अकाउंट में चला गया। वो सब नहीं आया, मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज आया कि किसी ने रिक्वेस्टेड किया हुआ है, तभी मुझे समझ में आ रहा था ये कुछ फ्रॉड है। और दोस्तों बस इतना ही था आज का वीडियो, आप देख लो ऐसा सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सामान बेच रहे हो, कभी कभी पैसे लेने देने के चक्कर में भी आपका गलती से पे हो जाता है जबकि आप रिसीव करने वाले हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फ्रॉड वाली चीज़ यहाँ से खरीदने वाले हो और पैसे कोई आपको ऑनलाइन मंगाता है, बोलता है सामान मैं भेज दूंगा आपके पास, तब भी वो फ्रॉड की कोई तरीका हो सकता है। चलिए दोस्तों ये तो एक था जहां से मैं बच गया, लेकिन एक और चीज था जहां से मैं नहीं बच पाया। अब आपको दिखा रहा हूं एक वेबसाइट, gprojexcel.com। ये वेबसाइट कुछ दिन पहले पैसे कलेक्ट कर रहा था नौकरी के चक्कर में, जबकि मैं एक होम जॉब के तलाश में था, और इन्होंने मुझे कहा कि हम इस वेबसाइट से आपको काम देंगे, उसके बदले में हम कुछ सिक्योरिटी मांग रहे हैं 2450 का। वो उनके साइट पे ही था, ये साइट आज डेड हो चुका है, ये साइट कुछ दिन पहले एक्टिव था, और जब आप इस साइट पे जाओगे तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा था, जब आप लॉगिन करोगे तो वो पैसे मांगता था, और जैसे ही आप पैसे मांगोगे वो फ्रॉड, पैसे डालोगे उनको वो फ्रॉड हो जाता था, कोई काम नहीं मिलती थी और फ्रॉड हो जाता था। ये वाली चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला हुआ है, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वो वाली वीडियो देख सकेंगे, जबकि मैं इंक्वायरी कर रहा था कि ये चैनल वैलिड है या नहीं, लेकिन मैं फंस गया दोस्तों, मैंने इसको पैसे दे दिया और वो पैसे मुझे कभी नहीं मिले। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी ऐसे स्कैम किया था, कुछ दिन पहले मैंने उनको मैसेज किया था, ये देखिए उनका फोटो यहाँ पे था, वो फोटो उड़ गया है, ये पेटीएम वेटीएम ये सब स्क्रीनशॉट मैंने डाला था जबकि ये मैंने पैसे उनको भेज दिया था, ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, मैंने उनको पैसे यहाँ से भेजे थे। चलिए दोस्तों इतना ही था, ये सब कुछ फ्रॉड अलर्ट्स जो मैं खुद देख रहा हूँ, आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ओएलएक्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।